तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है एक बॉक्स जो कि मेरी फ्रेंड के पार्लर से मैं लेकर आई थी। उसके पास ऐसे काफ़ी सारे थे फेंकने के लिए, लेकिन मैं एक लेकर आ गई थी। तो चलिए, मैं इसको ना कुछ डेकोरेट या कुछ थोड़ा सा इसका लुक चेंज करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ली हूँ आइसक्रीम के स्टिक्स, और ये जो एक टेप देख रहे हैं वो है पेपर टेप। उसको मैंने उस पर आइसक्रीम स्टिक लगा देती हूँ। ये देखिए, ये लग चुकी है और बस इसमें मैंने फेविकोल लगा लिया है स्टिक पे, और मैं इसको इस तरीके से कवर कर दूँगी बॉक्स को। तो जो है ना, सारा बॉक्स मैं इसी तरीके से कवर करने वाली हूँ कि इसमें मेहनत कम लगेगी और फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा जो है ना बॉक्स कंप्लीट हो गया है। अंदर मैंने कुछ नहीं फिक्स किया क्योंकि मेरे पास कुछ कलर पेपर है नहीं। अब मैं इसके ऊपर कर दे रही हूँ ये जो पर्पल कलर है ना, इस कलर से मैं इसको पेंट कर दूँगी, नीचे का जो भाग है सारा इसका। तो चलिए फटाफट से हम पेंट कर देते हैं। और ये पेंट लगभग हो गया है कंप्लीट। और ये जो ऊपर का भाग है इसको मैंने रेड कलर से पेंट किया हुआ है। तो ये देखिए, इसको मैं रेड कलर से पूरा अच्छे से कवर कर दे रही हूँ। ये इस तरीके से मैंने रेड कलर से इसको पूरा कंप्लीट कवर कर दिया, और ये रेडी हो गया है और ये कलर भी सूख गया है। इसके अंदर जो मैंने रखा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कपड़ों में लगाने वाली क्लिप रखी है और अंदर से मैंने कुछ नहीं लगाया। तो ये है एक नेक्स्ट DIY। मेरे पास एक कुर्ता पड़ा हुआ था जो मैं पहनती नहीं, और फिनिशिंग वगैरह इसकी थोड़ी ठीक नहीं बनी है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो बस उसी से हम इस बॉक्स को रेडी करेंगे। तो ये भी मैं अपने फ्रेंड के पार्लर से ही लेकर आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका जो बेस है ना, नीचे बीच का, उसमें मैं इस कार्टून बॉक्स को कट करके फिक्स कर दूंगी ताकि थोड़ा सा नीचे मजबूत हो जाए बस। और अब जो मैं नेक्स्ट है वो मैंने कपड़े को कट कर लिया है, ऊपर का जो का ढक्कन है ना इसका, तो मैं तो ढक्कन ही कहूँगी, ये इसके साइज का मैंने कट कर ली हूँ। अब मैं इसमें ना फेविकोल की हेल्प से मैं इसको चिपका लूँगी। वैसे मेरे पास कुछ है नहीं फेविकोल के अलावा, तो जो अभी मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी को लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने इसको फिक्स कर लिया है इसमें। अब मैं इसको ना थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूँगी, आइट साइड में लगा दूँगी क्लिप ताकि ये फिक्स हो जाए। तो चलिए, सूख रहा है जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये अच्छे तरीके से ना सूख चुका है, ये देखिए। अब आइट साइड के लिए मैंने कुछ लेस ढूंढ ढांड कर निकाली है। ये है कुछ बेकार लेस, साड़ियाँ कुछ ऐसी आई थी मेरे पास जो बेकार थी, कपड़ा अच्छा नहीं था, तो मैंने उसको दूसरे कामों में ले ली और लेस को निकाल के रख लिया था। तो आज वो मेरे काम आने वाली है। तो चलिए, मैं थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा देती हूँ फटाफट से। और ये देखिए, ये लेस तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है नीचे से छोटी आएगी। तो अब चलिए इसका कुछ और जुगाड़ करते हैं नीचे से। तो नीचे का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था वहाँ मैं ये ब्लू कलर की शाटन की लेस लगा देती हूँ। बस इसी तरीके से इसको सारे बॉक्स में मैं लगा दूँगी। तो ऐसे ही मैंने चारों साइड जो बॉक्स की थी वो मैंने लेस से ढक दिए हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं, सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको सुखा लेते हैं। तब तक ये सामने का जो हिस्सा है थोड़ा सा वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको भी मैंने नीले जो रिबन थी शॉर्टन वाली उससे मैंने कवर कर दिए। और अंदर तो नहीं मैं कुछ लगाऊंगी क्योंकि कुछ है नहीं फ़िलहाल अभी।
मैं पेपर लेकर आऊँगी मार्केट से, फिर लगा लूँगी। तो इसका ये है ना फाइनल लुक है, तो देख सकते हैं बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो जो मैंने दोनों बॉक्सों का रंग रूप चेंज किया है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए ऐसे ही मैं न्यू वीडियो लाते रहूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय।